सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट ने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर अभी तक हमारी फोटोकॉपी नहीं आई है, तो सर फोटोकॉपी आने में कितना टाइम लगता है, बहुत से स्टूडेंट में से पूछा। और बहुत से स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि सर हम फोटोकॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, दोनों क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में दूंगा, बट गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपकी सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के डाउट्स सॉल्व करने के लिए आ गया डाउटनेट ऐप। इस ऐप के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो। विद इन 3 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐप 6th to 12th नीट, IIT, जी मेन सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करो। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि फोटोकॉपी आने में लगभग 2 दिन भी लग जाते हैं और कई बार 1 दिन में आ जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के हाथों हाथ ही फोटोकॉपी आ जाती है। तो गाइस, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन नंबर पे। अगर आपका एप्लीकेशन पहले लग जाता है तो जल्दी आ जाती है, बाद में लगता है तो टाइम लग जाता है। लेकिन गाइज, जो आपकी 10 तारीख से पहले, मतलब 10 तारीख से पहले या फिर गाइज देखो, आपके 1-2 दिन के अंदर फोटोकॉपी आ जाती है। मैक्सिमम बच्चों की फोटोकॉपी क्लास 12th की, जो मैक्सिमम बच्चों की फोटोकॉपी आ चुकी है, और जो क्लास 10th वाले उनकी भी फोटोकॉपी जल्द आ जाएगी। कोई सीबीएसई टाइम ऑफ लिमिट तो बताते नहीं है, लेकिन उनका कहना होता है कि हम 2-3 दिन में जारी कर देगी फोटोकॉपी। और गाइस, बहुत से मुझसे ये पूछते हैं कि सर फोटोकॉपी डाउनलोड कैसे करनी। तो गाइस देखो, डाउनलोड आपको सीबीएसई के जहाँ पर आपने पेमेंट करी थी उधर ही नीचे ऑप्शन दिया हुआ होगा आंसर बुक क्लास 12th, उस पर आप क्लिक करोगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डालने पड़ेगी, वहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपकी फोटोकॉपी आती है, आपके यहाँ फोटोकॉपी आएगी, आपको सिंपली उसको डाउनलोड करना है, अपने टीचर को दिखाना है और टीचर सजेशन मांगने हैं कि मेरे कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर बढ़ेंगे, वो आपको सजेस्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर देना। अगर गाइस आपको कुछ समझ ना है कि कब अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, तो गाइस आप टेंशन मत लो, हमारे चैनल पे हर एक वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आती है, हम हर एक टॉपिक पे आपको समझाएगी कि आपको कब क्या करना है। और गाइस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। बट गाइस, आपको जो मेन क्वेश्चन था कि फोटोकॉपी कितने दिन में आती है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, वापस रिपीट कर दूं कि फोटोकॉपी लगभग 2-1 दिन में आ जाती है। और गाइस, आपको डाउनलोड cbse.nic.in से फोटोकॉपी डाउनलोड करनी है। जैसे आप अप्लाई करोगे, आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद में आपकी 1-2 दिन में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फोटोकॉपी आ जाएगी। तो गाइस, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर गाइस आपको आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उससे मुझे कॉल कर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए घर पर सेफ।